अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग समंदर जाते हैं पिकनिक के लिए, जाना पसंद करते हैं, खास तौर पे इन चार महीनों में जिनमें आ जाता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, समंदर के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा, सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एंड इस तरह की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, मगर अभी ज़रूरत पड़ गई है बनाने की तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली गडाने पे जो है वो एक लड़का डूब गया है। एंड हॉक्स बे में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। 5 मई को ईद वाले दिन एक लड़का डूब गया था। उसके अलावा मेरे जिस दिन मैं अभी संडे को गया था सर्फिंग के लिए, उस दिन भी जो है वो 2 लड़के डूबे हैं। सो काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सो मैंने कहा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो है वो किस टाइम पे पानी में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, पानी कब जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि पानी कब ख़राब है, कब सही है। सो ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। 31 मई को ये जो लड़का डूबा है गड़ानी पे, ये चट्टान पे खड़े होकर सारे लड़के टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। एंड चट्टान से ये गिरा है पानी के अंदर। पानी जो है वो फुल हाई टाइड हुआ हुआ था, फुल जो है वो जोश में आया हुआ था। एंड इस पानी के अंदर जो है वो रिप करंट भी था, जिसकी वजह से ये पानी जो है उसको लेके जा रहा था। तो कोई भी वहाँ पे जो है मैंने नहीं देखा लाइफ गार्ड है कोई इसे बचा सके। इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, करंट क्या होते हैं, करंट कितनी तरह के होते हैं, एंड हाई टाइड क्या होता है, लो टाइड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तानियों की, और भी कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है लोग जो है वो समंदर की तरफ रुख करते हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो है वो समंदर पिकनिक के लिए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है वो समंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, समंदर में लहरें चलना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है वो सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप थोड़े थोड़े पानी में भी हैं तो पानी आके आपको कब ले जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और लोग समझते हैं कि समंदर जो है वो साल के 12 महीने जो है वो सेम रहता है, जो कि बहुत ही गलत सोच है। जिस तरह जो है वो मौसम चेंज होता है, सर्दी गर्मी खिजा बहार, इस तरह समंदर भी अपना मिजाज चेंज करता है। गर्मियों के अंदर जो है वो समंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें बनना शुरू हो जाती हैं, करंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो गर्मियों के अंदर जो गर्मियों के मेन 4 महीने ख़ास तौर पर, उनके अंदर तो आप पानी के अंदर कदम भी ना रखें, क्योंकि इतनी तेज़ लहर आएगी कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक दूसरे के चक्कर में जो है वो पूरी पूरी फैमिलीज़ को पिछले सालों में जो है वो पानी के अंदर डूबते हुए देखा गया है। तो अपना ख्याल करें और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें, गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पर समंदर ना जाएं। आप लोग फार्म हाउस जा सकते हैं, वाटर पार्क जा सकते हैं, अपनी जानों का नुकसान ना करें। सर्दियों के अंदर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये सर्दियों में रिकॉर्ड की गई है, और अभी जो है वो बिल्कुल भी लहरें नहीं चल रही, पानी बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ हुआ है, क्लियर हुआ हुआ है, विजिबिलिटी अच्छी है। और अगर आप लोग गर्मियों में देखते होंगे तो जैसे ही आप लोग पानी में उतरते होंगे लहरें आपको जो है वो हालत टाइट कर देती होंगी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये फ़र्क है गर्मी और सर्दी में, और इसके अलावा ये कुदरत है अल्लाह की, और कुदरत के साथ खेलना जो है वो फिर आप लोगों को पता है अपनी जान को नुकसान करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि समंदर की स्विमिंग और पूल की स्विमिंग दोनों ही डिफरेंट हैं। लोग समझते हैं कि पूल के अंदर वो थोड़ा हाथ पांव चला के स्विमिंग कर रहे हैं तो वो समंदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समंदर जो है वो चल रहा होता है और पूल का पानी ठहरा हुआ होता है। तो समंदर के लिए आपको पहली चीज़ तो तजर्बा आना चाहिए, एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास स्टैमिना होना चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको मदद देगी सर्वाइव करने में समंदर के अंदर। और अगर हम ये बात करें कि गडानी में जो लड़का डूबा है उसको जो है वो थोड़ी बहुत स्विमिंग आती थी, हाथ पांव चलाने आते थे, इसी वजह से वो 5 से 10 मिनट जो है वो सर्वाइव कर सका। उसके बाद जो है वो रिप करंट के चलते वो जो है वो पानी में चला गया, और वहाँ पे कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था जो कि उसको बचा सके, अगर होता तो वो बच जाता लड़का। और कोई भी स्विमर हो, कोई भी अच्छे से अच्छा स्विमर हो, वो भी अगर पानी के अंदर समंदर के अंदर फर्स्ट टाइम उतरता है तो वो भी थोड़ा बहुत नर्वस होता है, उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो नर्वसनेस फील हो रही होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेजॉरिटी ऑफ दी स्विमर्स जो है पहली बार जब समंदर में उतरते हैं तो उनको भी जो है वो नर्वसनेस महसूस होती है, क्योंकि समंदर चीज़ ही ऐसी है, आप उसके साथ खेल नहीं सकते जब तक आपके पास तजर्बा नहीं है।
और आपके पास स्टेमिना नहीं है। तो ये बात मैं आप लोगों को बताने का मकसद यही है वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जो हूँ वो 3-4 साल से जो है वो वाटर स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ समंदर में। जैसे आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल होती है, उस तरह जो है वो पानी के खेल होते हैं जिनको हम वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं। इसमें मैं जो हूँ वो ओपन वाटर स्विमिंग करता हूँ, फ्री डाइविंग करता हूँ एंड सर्फिंग करते हैं हम लोग हॉक्सबे पे और बहुत से साइली बीचेस के ऊपर, और बहुत से वाटर स्पोर्ट्स हैं जो कि पानी की कंडीशन के हिसाब से जो है वो करे जाते हैं। अभी जो पानी इतना तेज़ हुआ हुआ है, इसमें जो है वो हम लोग सर्फिंग करते हैं एंड इन सब चीज़ों के पीछे हम लोगों का काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, जो कि जिसकी वजह से जो है हम लोग अब जो है वो प्रोफेशनली ये सब चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब हम बात करेंगे कि हाई टाइड क्या होता है, लो टाइड क्या होता है। तो हाई टाइड जो है वो पानी चढ़ावा जो होता है वो हाई टाइड होता है, और पानी अगर उतरा हुआ है तो वो लो टाइड कहलाएगा। आप जो है वो लाइंस से देख रहे होंगे, जो ग्रीन कलर की लाइन है वहाँ पे अगर पानी होता है तो वो लो टाइड कहलाता है, उससे और पीछे और लो टाइड हो जाता है, मतलब पानी उतरा हुआ है। और अगर आगे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर फिर हाई टाइड कहलाएगा। और हाई टाइड के अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, पानी आपसे बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, और पानी के अंदर जो ढलान होती है उसकी वजह से जो है वो जब लहर आती है ना तो आप अपने पाँव भी नहीं जमा पाते, तो इस वजह से जो है वो स्लोप के थ्रू आप पानी के अंदर चले जाते हैं। हाई टाइड इसलिए भी ख़तरनाक है कि जब लहर आती है तो वो आपको ऐसे ले जाती है कि आप ना तो कुछ पकड़ सकते हैं ना आप रेत के अंदर पाँव दबा सकते हैं, क्योंकि जब लहर टूटती है ना तो वो अंदर जाके अपने प्रेशर से जो है वो रेत को है ना हिला देती है, मतलब रेत के दाने दाने बिखर जाते हैं जिसकी वजह से आप पाँव जमा भी नहीं सकते। तो इस तरह जो है वो समंदर आपको ले जाता है, तो इसलिए जो है हाई टाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसी को जो है वो हम लोग अंडर टो करंट कहते हैं। ये जो है वो हाई टाइड पे बनता है और पानी कंटिन्यूसली जो है आ रहा होता है और स्लोप की मदद से वापस समंदर में जा रहा होता है फौरन फौरन, और स्लोप की वजह से जो है वो कोई ग्रिप नहीं मिल पाती, तो इस वजह से जो है वो समंदर पर आपको ले जाता है और सेकेंडों में आपको पता भी नहीं लगता। तो ये जो है वो अंडर टो करंट कहलाता है। और अगर हम दूसरे करंट की बात कर लें, रिप करंट की, तो रिप करंट भी सेम यही है, जो समंदर से पानी आ रहा होता है साहिल की तरफ तो उसको वापस जाने के लिए जगह चाहिए होती है। अब अंडर टो करंट में तो स्लोप होता है, तो स्लोप की वजह से वो फौरन आ रहा होता है, फौरन जा रहा होता है, मगर रिप करंट में जो है वो सारा पानी जो आ रहा होता है वो एक रास्ता बना लेता है समंदर में वापसी जाने के लिए, जहाँ पर ढलान होती है या फिर जहाँ पर थोड़ी सी गहराई होती है उधर से पानी वापसी जाने के लिए जगह बना लेता है, और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको भी अपने साथ समंदर में ले जाता है। तो इस तरह जो रिप करंट है वो आपको लो टाइड में भी नज़र आएगा, हाई टाइड में भी नज़र आएगा, और इसकी निशानी ये है कि वहाँ पे जो है वो लहरें टूट नहीं रही होंगी, क्योंकि पानी वापसी जा रहा होगा तो वो लहरें बनने ही नहीं देता, तो वो जो है सारा पानी समंदर में जा रहा होता है और जो भी बंदा उसके बीच में आता है उसको भी वो साथ ले जाता है। और इससे बाहर निकलने का ये है कि आपके पास तजर्बा होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर लाइफ गार्ड है तो वो बचा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो समंदर आपको इतनी दूर ले जाएगा विद इन अ मिनट कि आप जो है वो नहीं समझ सकते। तो बस यही वजह थी वीडियो बनाने की, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि समंदर उस तरह का नहीं है जिस तरह का हम लोग सोचते हैं। समंदर जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, प्लीज़ अवॉइड करें, मत जाए समंदर में, अगर जाएँ भी तो थोड़े थोड़े पानी में जाएं, और अगर हाई टाइड हो, पानी चढ़ा हुआ हो, तो बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है पानी में, साहिल के किनारे बैठ जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके घर वालों की ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो है वो हॉक्सबे की है, यहाँ पे एक बंदा डूब रहा था तो दो लाइफ गार्ड्स जो है वो इसको बचाने के लिए गए थे, बट ये सारे जो है वो रिप करंट में फंस गए थे, मगर काफ़ी कोशिश के बाद जो है वो लाइफ गार्ड्स ने इस बंदे को रेस्क्यू कर लिया था। और हॉक्सबे पे लाइफगार्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हर जगह लाइफगार्ड अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफगार्ड कम है और जगह बहुत ज़्यादा है। और मुबारक विलेज के लाइफगार्ड भी अच्छा काम कर रहे हैं, और गडानी और दूसरे बीचेस पे आपको लाइफगार्ड नहीं देखने को मिलेंगे, तो इधर जो है बिल्कुल भी अवॉइड करें हर चीज़ से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अभी जो है वो आने वाले दिनों में स्विमिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अपना जो है वो ख्याल रखें, अपने जो है लोगों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।